स्टूडेंट्स आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि हम यूनिट्स कैसे लिख सकते हैं इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन के थ्रू स्टूडेंट्स सबसे पहले आपके पास डिटर्मिन द यूनिट्स फॉर के सी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन सबसे पहले हम क्या करेंगे कोई भी यूनिट स्टूडेंट्स डिटर्मिन करने से पहले हम क्या करते हैं कि हमेशा के सी का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो यूनिट्स कैलकुलेट करने में सबसे पहले हम रिएक्शन नंबर वन के लिए करते हैं के सी विल बी इक्वल टू पी सी एल थ्री कंसनट्रेशन ऑफ पी सी एल थ्री एंड देन क्लोरीन कंसेंट्रेशन हो गई डिवाइडेड बाय मोलर कंसनट्रेशन ऑफ पीसीएल फाइव एक्सप्रेशन लिख लिया हमने अब स्टूडेंट्स ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं ये कंसंट्रेशन को प्रेजेंट कर रहे हैं इन मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब यानी कि दिस वन स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट्स वन मोल पर डेसीमीटर क्यूब तो हम वैसे ही एक्सप्रेशन में इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे यहां लिख लेते हैं मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब इन टू मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाई मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब तो ये वाली कैंसिल हो जाएगा यहाँ से एक्सप्रेशन तो आपके पास जो यूनिट आएगा के का फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इट विल बी मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब इसी तरह स्टूडेंट्स रिएक्शन नंबर टू के लिए कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स रिएक्शन नंबर टू के लिए हम लिखेंगे के का एक्सप्रेशन के सी वुड बी इक्वल टू एस ओ थ्री होल ट्वाइस डिवाइडेड बाय एस ओ टू होल ट्वाइस और ऑक्सीजन के लिए कंसनट्रेशन लिखी अब हम इसके लिए यूनिट लिखेंगे मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब स्क्वायर डिवाइडेड बाय मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब होल स्क्वायर इंटू मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब ये दोनों एक्सप्रेशन हो गए कैंसिल जब ये ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में तो साइन चेंज हो जाएंगे विल बी पर मोल प्लस थ्री और स्टूडेंट्स जो रिएक्शन नंबर थ्री है उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इक्वल है दैट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट यानी कि दो मोल ही हैं रिएक्टेंट के और दो मोल ही जनरेट हो रहे हैं प्रोडक्ट के तो इसके लिए के का कोई यूनिट नहीं होगा क्यों क्योंकि दोनों तरह से इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाएगी आपके पास जो मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब हैं उनकी कंसनट्रेशन कैंसिल आउट हो जाएगी तो के का कोई यूनिट नहीं होगा थर्ड रिएक्शन के लिए मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स एक एक्जाम्पल है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं द फॉलोइंग कंसनट्रेशन ऑब्जर्व फॉर द रिएक्शन एट फाइव डिग्री सेल्सियस हमने क्या करना है हमने के की वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमें कंसनट्रेशन गिवन है के सी क्या होगी सबसे पहले हम क्या करेंगे इसके लिए के सी का एक्सप्रेशन लिख लेंगे ए बी होल स्केयर डिवाइडेड बाई कंसनट्रेशन ऑफ ए इनटू कंसनट्रेशन ऑफ बी होल क्यूब अब हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे ए बी के लिए पुट किया हमने पॉइंट टू जीरो थ्री मोलर यहाँ पर हो गया होल स्केयर डिवाइडेड बाई ए हो गया पॉइंट थ्री पॉइंट थ्री नाइन नाइन अब स्टूडेंट्स इसके लिए हम यहाँ पे यूनिट्स भी लिखेंगे डिफाइन करके मोल्स मोल पर डेसीमीटर क्यूब का भी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे पॉइंट थ्री नाइन नाइन है तो यहाँ पे मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब जस्ट और आपके पास बी है वन पॉइंट वन नाइन सेवन इंटू वन पॉइंट वन नाइन सेवन होल क्यूब इंटू मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब होल क्यूब अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप पावर्स को ऐड कर सकते हैं और पावर्स ऐड करने के बाद हम वैल्यू निकाल सकते हैं सबसे पहले हम निकालते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आएगी कैसी की देन हम यूनिट्स के साथ डील करते हैं टू ज़ीरो ज़ीरो पॉइंट टू जीरो थ्री टू जीरो थ्री मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो पॉइंट टू ज़ीरो थ्री होल स्केर करके वैल्यू आएगी पॉइंट ज़ीरो फोर वन पॉइंट ज़ीरो फोर वन डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय बी की वैल्यू हम ले लेंगे वन पॉइंट वन नाइन सेवन मल्टीप्लाई बाय पॉइंट नाइन सेवन वन पॉइंट वन नाइन सेवन विच विल बी इक्वल टू वन पॉइंट सेवन वन वन पॉइंट सेवन वन को स्टूडेंट्स हम मल्टीप्लाई कर देंगे पॉइंट थ्री नाइन नाइन के साथ आंसर मल्टीप्लाई बाय पॉइंट थ्री नाइन नाइन थ्री नाइन नाइन विच विल बी इक्वल टू पॉइंट सिक्स एट पॉइंट सिक्स एट अब इन दोनों को इन दोनों टर्म्स को हम डिवाइड कर देंगे पॉइंट जीरो फोर वन डिवाइडेड बाय ज़ीरो सिक्स एट इट विल भी इक्वल टू पॉइंट जीरो सिक्स ये हम इसको इस तरह से भी स्टूडेंट्स लिख सकते हैं पॉइंट जीरो सिक्स सिक्स इंटू टेन एस टू पार माइनस टू अब स्टूडेंट्स हम यूनिट्स के साथ डील कर लेते हैं स्टूडेंट्स यूनिट्स के साथ हम कैसे डील करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे मोल डेसीमीटर क्यूब एस टू पार वन है यहाँ थ्री है दोनों ये ऐड हो जाएंगे तो फोर हो जाएगी अब फोर में से हम माइनस जब फोर न्यूमरेटर में जाएगा तो माइनस फोर हो जाएगा माइनस फोर में से जब हम टू निकालेंगे तो माइनस टू इट मीन्स के मोल्स पर डेसीमीटर क्यू को हम मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस टू से तो इट विल बी मोल माइनस टू डी एम प्लस सिक्स तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे आंसर के साथ मोल माइनस टू डी एम प्लस सिक्स तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को और यूनिट्स को एक साथ डील कर सकते हैं स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि कैसे इक्वेलेबल कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन चेंज होते हैं विद रिस्पेक्ट टू गैसेस स्टूडेंट्स इन टर्म्स ऑफ पार्शल प्रेशर भी हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिख सकते हैं अगर आप नंबर ऑफ मोल से डील कर रहे हैं तब भी उसके लिए स्पेसिफिकली आप डील कर रहे होंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन के साथ मोल फ्रैक्शन के साथ अगर आप डील कर रहे हैं कंसंट्रेशन की तो उसके लिए भी खास एक्सप्रेशन होगा आइए इनको वन बाय वन देखते हैं सबसे पहले स्टूडेंट्स हम पार्शल प्रेशर की टर्म्स में क्यों डिफाइन कर रहे होते हैं इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन को स्टूडेंट्स पार्शल प्रेशर की टर्म हम उस टाइम यूज़ कर रहे होते हैं जब हम स्पेसिफिकली गैसेस के साथ डील कर रहे होते हैं जब हम गैसेस के साथ डील कर रहे होते हैं तो हम पार्शल प्रेशर की टर्म यूज़ करते हैं आई होप स्टूडेंट्स आप फेमिलियर होंगे पार्शल प्रेशर की टर्म से अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ जितना ज़्यादा पार्शल प्रेशर होता चला जाएगा किसी भी रिएक्शन मिक्सचर के अंदर उतनी ज़्यादा उसकी कंसनट्रेशन किसी भी गैस की उस रिएक्शन मिक्सचर के अंदर ज़्यादा होती चली जाएगी इसलिए हम क्या करते हैं के के लिए अलग से वैल्यू डिराइव करते हैं अलग से एक्सप्रेशन लिखते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे हम के सी के लिए लिखते हैं और फिर हम एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिफाइन करते हैं जो कि के पी को के सी से रिलेट कर रहा होता है जो कि स्टूडेंट्स आपके सामने वेयर के पी इज इक्वल्स टू के सी इन आर टी होल एज टू पार डेल्टा एन वेयर स्टूडेंट्स डेल्टा एन जो है वो हमारे पास डिफरेंस है बिटवीन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड दैट ऑफ रिएक्टेंट्स स्टूडेंट्स अगर डेल्टा एन की वैल्यू जीरो होगी तो ऑब्वियसली बात है के पी और के सी की वैल्यू सेम हो जाएगी अगर डेल्टा एन की वैल्यू पॉजिटिव है इट मीनस के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर मोर देन दैट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स इसका मतलब ये होगा कि आपके पास के पी की वैल्यू के सी से ज़्यादा हो जाएगी और अगर स्टूडेंट्स आपके पास डेल्टा एन की वैल्यू नेगेटिव आती है तो के सी की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू दैट ऑफ के पी स्टूडेंट्स बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपके पास एक एक्सप्रेशन है इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट का पार्शल प्रेशर की टर्म्स में बिल्कुल इसी तरह नंबर ऑफ मोल्स की टर्म में है और कि किस तरह से के पी के साथ रिलेट कर रहा है उसके लिए भी मैथमेटिकल इक्वेशन आप देख सकते हैं इसी तरह स्टूडेंट्स इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन कैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की आप वैल्यू लिख सकते हैं एक्सप्रेशन लिख सकते हैं वो भी गिवन है एंड देन एट दी एंड उसका रिएक्शन उसका रिलेशन कैसे के पी के साथ है अगर आप गैसेज के साथ डील कर रहे हैं तो वो भी आपके सामने गिवन है